覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलने वाला है। एक तरफ है डूम्सडे एंड मैनगॉग, जो कि अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ एंड यूनिक एबिलिटीज को यूज करके मार्वल एंड डीसी की माइटेस्ट हीरोज को ब्रूटली हार्म एंड डिफीट कर चुके हैं। वही दूसरी तरफ प्रोटेक्टर ऑफ एसगार्ड, ऑल्सो नोन एज ऑल फादर ओडिन, जो की एक स्काई फादर लेवल की बींग है, एंड डार्क साइड, ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ इवल, जो की एक मल्टीवर्स के लिए थ्रेट है। तो क्या ऑल फादर ओडिन एंड गॉड ऑफ इवल डार्क साइड मिलकर अनस्टॉपेबल बीस्ट मैनगॉग एंड डूम्सडे को रोक पाएंगे या नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, हम इस बैटल में डार्क साइड की एक एवरेज अवतार को लेंगे और इस बैटल को हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। शट अप गॉड, आई एम टॉकिंग। बात करें मैनगॉग के बारे में, तो वो हेट ऑफ बिलियन बींग्स की फिजिकल इंकर्नेशन है। मैनगॉग को पावर्स मिस्टिकल एंड साइनिक एनर्जीज के थ्रू मिलता है। उसके पास वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। उसने बड़े आसानी से थॉर को ओवरपावर कर दिया था। उसकी स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस एक नॉर्मल एसगार्डियन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा इनहेंस्ड एंड फास्ट है। मैनगॉग की बॉडी एक एसगार्डियन गॉड से भी ज्यादा ड्यूरेबल है। उसने सन श्रेडर की एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव किया है, जिससे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैनगॉग की बॉडी फटिक टॉक्सिन्स को बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करती, इसी वजह से मैनगॉग की स्टैमिना लिमिटलेस है। उसके पास सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर होने की वजह से वो अपनी वुंड्स एंड इंजरीज को बहुत जल्दी हील कर सकता है। मैनगॉग को हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी आता है। मैनगॉग के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड सीन एम्पावरमेंट। इसके अलावा मैनगॉग कुछ हद तक मैजिक एंड मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैनगॉग को पनिशमेंट ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मैनगॉग ने अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज करके चार वॉरियर को एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, इटर्नल फ्लेम्स को लिफ्ट किया था, लावा को अपने हाथों में लेके हवा में फेंका था, थॉर ने जब उसकी तरफ मेयोनीर फेंका था तब उसने मेयोनीर को पंच मार के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी थॉर के तरफ फेंक दिया था, उसने बाइफोर्स ब्रिज को तोड़ा था, एसगार्ड की मोस्ट पावरफुल वेपन कैनन बोल्ट को यूज करके आसानी से आर्मी ऑफ एसगार्डियन को डिफीट किया था, थॉर की टोर्नेडो स्ट्राइक को इजीली विदस्टैंड किया था, अवेंजर्स की माइटी ब्लोस के साथ साथ आयरन मैन की फुल्ली पावर्ड यूनिबीम को विदस्टैंड किया था, एंड मैनगॉग ने थॉर को बच्चों की तरह धोया था। इसके अलावा वो ओडिन को भी बीट कर चुका है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तब ओडिन थोड़ा वीक था। अब इस चीज को देख के आप ये मत समझना कि ओडिन मर गया था, लेकिन ओडिन ने खुद कहा था कि उसने बहुत ज्यादा मुश्किल से मैनगॉग की माइटी अटैक्स को सरवाइव किया था। वैसे मैनगॉग को मारा जा सकता है। माइटी थॉर इशू नंबर 705 में लेडी थॉर जेन फोस्टर मेयोनीर एंड मैनगॉग को चेन से बांध के सन की कोर में फेंक दिया था, और फिर सन कोर की पावरफुल फोर्स एंड हाई टेम्परेचर की वजह से मेयोनीर डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ मैनगॉग भी मर गया था। लेकिन मैनगॉग को अगर कोई मार भी दे तब भी वो वापस आएगा। उसे मार के बस एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक उसकी एग्जिस्टेंस को मिटाया जा सकता है, लेकिन मैनगॉग फिर से वापस आ जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ हेट। बात करें डूम्सडे के बारे में, तो अपनी यूनिक फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर लिपिंग, ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस को। उसकी स्टैमिना लिमिटलेस है एंड उसके पास रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। डूम्सडे टेक्निकली प्योर इमॉर्टल बींग है। उसकी एग्जिस्टेंस को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मिटाया जा सकता है। उसके पास वेनमस एंड एक्सटेंडेबल क्लॉज भी है, जो कि पावरफुल इनफ है क्रिप्टोनियंस एंड न्यूगॉड जैसे पावरफुल बींग्स को हार्म करने के लिए। इसके अलावा उसके पास टेलीस्कोपिक विजन एंड रिएक्टिव एडॉप्शन की एबिलिटी है, और उसके पास रिएक्टिव एडॉप्शन की एबिलिटी होने की जैसे वो ऑलमोस्ट इनवल्नरेबल होता रहता है किसी भी टाइप की मेंटल, फिजिकल एंड मैजिकल अटैक्स से। डूम्सडे को अटैक्स करने से वो कंटिन्यूअसली अडैप्ट होता रहता है एंड उन सब अटैक से इम्यून भी हो जाता है। अब क्योंकि डूम्सडे ब्रूट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ब्लास्ट से पहले भी मर चुका है, इसी वजह से वो पूरे तरीके से इम्यून है बोथ एनर्जी एंड फिजिकल अटैक से। यानी ब्रूट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ब्लास्ट से डूम्सडे को मारा नहीं जा सकता। डूम्सडे को द अल्टीमेट लाइफ फॉर्म भी कहा गया है। डूम्सडे ने अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज करके रेडियंट की प्लैनेट बस्टर लेवल की एनर्जी ब्लास्ट को विदस्टैंड किया था एंड रेडियंट को मारा भी था। बैटल के दौरान वो अपनी इंजरीज एंड वुंड्स को इंस्टेंटली हील कर रहा था। सुपरमैन एंड जस्टिस लीग को अकेला डिफीट किया था। उसने एक एक्सप्लोजन को विदस्टैंड किया था जो कि मिलियन न्यूक्लियर ब्लास्ट की बराबर था, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट खाने के बाद भी वो हंस रहा था। डार्क साइड की मल्टीपल ओमेगा बीम्स भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। हंटर प्रे कॉमिक्स के अकॉर्डिंग वो इम्यून है ऑलमोस्ट एवरी फॉर्म्स ऑफ अटैक से, लेकिन डूम्सडे को भी मारा जा सकता है। हंटर प्रे कॉमिक्स में उसे एंट्रोपी में फेंक दिया गया था, जिसके वजह से डूम्सडे मर तो गया था लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वैसे एंट्रोपी एक ऐसा जगह है जिसे द एंड ऑफ टाइम एंड यूनिवर्स भी कहा जाता है, और एंट्रोपी किसी भी टाइप की एनर्जी एंड लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर लेती है। इवन एक इंटायर यूनिवर्स को भी एंट्रोपी अब्सॉर्ब कर सकती है। तो ये था इन दोनों बीस्ट की पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी बात करते हैं डार्क साइड एंड ओडिन के बारे में।
बात करें ऑलफादर ओडिन के बारे में तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड स्टेमिना है। ओडिन की स्किन मसल एंड बोन टिश्यू 3 times ज्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। इसी वजह से ओडिन की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। वो ग्रेट हाइट्स, फॉल डैमेज एंड कॉस्मिक लेवल बींग्स के पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकता है। ओडिन के पास है सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर। वो अपनी वुंड्स एंड इंजरीज को काफी जल्दी हील कर लेता है। ओडिन इम्यून है ऑल नोन अर्थली डिजीज एंड इन्फेक्शन से। ओडिन एक प्योर इमोर्टल बींग तो नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सटेंडेड लॉन्जेविटी है और इसीलिए ओडिन एक एक्सट्रीमली लॉन्ग लाइफ स्पैन कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी एज की वजह से उसे मरना होगा। ओडिन के पास ओडिन फोर्स है और मैं पता तो ओडिन फोर्स को यूज करके वो मैनिपुलेट कर सकता है वेस्ट अमाउंट ऑफ मैजिकल एनर्जी को। ओडिन फोर्स को यूज करके वो इंटायर ह्यूमन रेस को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड जेनरेट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट को परफॉर्म कर सकता है एंड मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ओडिन ऑल स्पीक है, यानी वो 9 realms की हर एक लैंग्वेजेस को जानता है। वो मास्टर टेक्टिशियन एंड मास्टर है एसगार्डियन मिस्टिकल कॉम्बैट में। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है ओडिन की मोस्ट पावरफुल वेपन उसकी नॉलेज है और इसी वजह से ओडिन को गॉड ऑफ विजडम भी कहा गया है। ओडिन के पास गंगनीर, थ्रडस्टॉक एंड ओडिन स्वॉर्ड जैसे पावरफुल इक्विपमेंट्स है। ओडिन अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को यूज करके प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। उसने थॉर को आसानी से ओवरपावर कर दिया था, डिस्ट्रॉयर आर्मर को पहन के सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट फाइट किया था एंड उनके एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया था। ओडिन सेथ के अगेंस्ट बैटल कर चुका है एंड ना जाने इस बैटल में कितने सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। थानोस एंड सिल्वर सर्फर को ओवरपावर किया था। इसके अलावा ओडिन एंड सेथ की बैटल के दौरान फैब्रिक ऑफ द मल्टीवर्स टियर अपर्ट हो रही थी, जिसके वजह से कई सारे गैलेक्सीज खतरे में थे। बात करें डार्क साइड की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो अपनी न्यू गॉड फिजियोलॉजी की वजह से वो पोजेस करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। उसके पास वेस्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। डार्क साइड इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि वो सर्वाइव कर सकता है पूरे गैलेक्सी की डिस्ट्रक्शन को। वो यूनिवर्सल लेवल के अटैक्स को भी झेल चुका है। इसके अलावा माइटिस्ट हीरोज की कंबाइंड अटैक्स भी डार्क साइड का कुछ बिगड़ नहीं पाया था। डार्क साइड के पास है एनर्जी रेजिस्टेंस। वो रेजिस्ट कर सकता है ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ एनर्जी को। डार्क साइड के पास है रीजनरेशन की एबिलिटी। वो अपनी बॉडी पार्ट्स एंड लिम्स को रीजनरेट कर सकता है। डार्क साइड सुपर जीनियस है। उसने एक बार नाइ ओमनिसियंस कैरेक्टर को आउटस्मार्ट किया था। डार्क साइड एक प्योर इमोर्टल बीइंग है। एक बार स्पेक्टर ने अपनी पावर से डार्क साइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही डार्क साइड फिर से वापस आ गया था। इसके अलावा डार्क साइड मास्टर टेक्टिशियन, लीडर, क्वांटम मैकेनिक एंड कॉम्बेटेंट है। उसके पास कुछ पावरफुल इक्विपमेंट्स भी रहता है, जैसे कि मदर बॉक्स। डार्क साइड टेलीपोर्टेशन के थ्रू ट्रेवल करता है। अब जो चीज डार्क साइड को एक फॉर्मिडेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट बनाता है वो है ओमेगा इफेक्ट। ओमेगा इफेक्ट असल में एक कॉस्मिक पावर है जो कि डार्क साइड को प्रोवाइड करता है वेस्ट अमाउंट ऑफ स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज को, जैसे कि कॉस्मिक अवेयरनेस, डार्कनेस मैनिपुलेशन, डायमेंशनल ट्रबल, बूम ट्यूब प्रोजेक्शन, इरोजन ब्लास्ट, फ्लाइट, टाइम मैनिपुलेशन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन एंड क्रोनोकिनेसिस। इसके अलावा डार्क साइड दूसरों की पावर्स एंड लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है, मरे हुए को रिजरेक्ट कर सकता है, अपने साइज को प्लेनेट से भी बड़ा कर सकता है एंड चाहे तो और भी बड़ा कर सकता है। अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स से ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। डार्क साइड की टेलीपैथिक पावर्स इतना ज्यादा एनहांस्ड है कि वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन की बींग के साथ कम्युनिकेट कर सकता है एंड अपने आर्मी को समन भी कर सकता है। इसके अलावा डार्क साइड के पास ओमेगा बीम्स है जो कि उसकी सिग्नेचर अटैक है। ओमेगा बीम से डार्क साइड बड़े आसानी से लो टियर की सुपर ह्यूमन बींग्स को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा ओमेगा बीम्स को यूज करके उसने फुल्ली एम्ड अप एंटी मॉनिटर को हार्म कर चुका है। इसी ओमेगा बीम्स की इनहांस्ड वर्जन है ओमेगा सैंक्शन। ओमेगा बीम्स की सीरीज को ट्रैप करके एक लिविंग हेल जैसा बनाता है डार्क साइड और इसे ओमेगा सैंक्शन कहा जाता है और ओमेगा सैंक्शन से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। अपनी रॉ पावर्स, एबिलिटीज एंड ब्रूट स्ट्रेंथ को यूज करके डार्क साइड ने हेलबैट आर्मर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाई फादर के अगेंस्ट एक हफ्ते तक लड़ा था विदाउट शोइंग एनी साइन ऑफ फटीग एंड माइनर इंजरी। डार्क साइड ने कई सारे माइटेस्ट हीरोज एंड हेवी हिटर्स को अकेला डिफीट किया था। ज्यूस को मार दिया था जो कि स्काई फादर लेवल का था। रियलिटी होल को अपने हाथों से होल्ड किया था। डायमेंशनल बाउंड्रीज को पुश किया था। स्पेस एंड टाइम को घुमा दिया था एंड पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम भी किया था। आई थिंक आप सबको इन चारों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। अभी इस बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैनगॉग एंड डूम्सडे दोनों ही अनस्टॉपेबल बीस्ट है जिनके अगेंस्ट बैटल करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन क्योंकि डार्क साइड एंड ओडिन एक दूसरे के साथ हाथ मिला चुके हैं तो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क साइड एंड ओडिन भी काफी ज्यादा डेडली एंड फॉर्मिडेबल है। इनकी बैटल में कितने सारे गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय होगी यह हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डूम्सडे वर्सेस डार्क साइड एंड ओडिन वर्सेस मैनगॉग की बैटल को हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं, तो इस बैटल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ओडिन को लेंगे डूम्सडे की अगेंस्ट एंड डार्क साइड को लेंगे मैनगॉग की अगेंस्ट। एक और बात मैं बता दूं, यहां पर कोई भी होल्ड बैक नहीं करने वाले, सब अपने अपने मैक्सिमम पावर्स को यूज करेंगे। तो ओडिन एंड डार्क साइड दोनों ही पावरफुल इनफ है डूम्सडे एंड मैनगॉग की
अगेंस्ट लड़ने के लिए। लेकिन डूम्सडे एंड मैनगो की कुछ पावर सिमिलर है, जैसे कि ये दोनों बैटल के दौरान और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं। वही डार्कसाइड एंड ओडिन भी अपने अपने स्पेशल पावर्स को यूज करके स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो पहले ओडिन एंड डूम्सडे की बैटल के बारे में बात करते हैं। तो डूम्सडे की बेस स्ट्रेंथ एक एवरेज क्रिप्टोनियन की तरह है, यानी बैटल की स्टार्टिंग में ओडिन डूम्सडे के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी डूम्सडे भी पावरफुल होता रहेगा बिकॉज ऑफ इस रिएक्टिव एडप्शन। तो लड़ते लड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि डूम्सडे ओडिन की माइटी ब्लोस को विथस्टैंड कर पाएगा और हमें ओडिन एंड डूम्सडे के बीच एक टो-टू-टो डिस्ट्रक्टिव बैटल देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों की बैटल इंपैक्ट इतना ज्यादा डेडली होगा कि सिटी से लेकर कॉन्टिनेंट फिर धीरे धीरे प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। वही दूसरी तरफ डार्कसाइड एंड मैनगॉक के बीच एक डिस्ट्रक्टिव बैटल चल रहा होगा। मैनगॉक पीछे हटने वालों में से नहीं है, वही डार्कसाइड भी हार मानने वालों में से नहीं है। और मुझे तो लगता है इन दोनों की पंच से जो शॉक वेव जनरेट होगा उससे एक सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर मैनगॉक अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी ब्लास्ट से डार्कसाइड के ऊपर अटैक्स कर रहा होगा, वही डार्कसाइड अपनी स्किल स्ट्रेंथ एंड ओमेगा बीम से। फाइट करते करते अब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये चारों कैरेक्टर ही अपनी इनरेजेड कंडीशन या कहे रैम्पेज फॉर्म में चले जाएंगे। और अब तक डार्कसाइड, ओडिन, मैनगॉक एंड डूम्सडे एक दूसरे को ब्रूटली इंजर्ड कर चुके होंगे, और ऐसी कंडीशन में ओडिन समझ जाएगा कि डूम्सडे कंटीन्यूअसली अडॉप्ट हो रहा है। तो अब ओडिन अपनी मोस्ट पावरफुल वेपन ओडिन फोर्स को अनलिस्ट करेगा, आसपास की चीजों को मैनिपुलेट एंड मैजिकल पावर्स को यूज करने लगेगा डूम्सडे के अगेंस्ट। लेकिन डूम्सडे भी कम नहीं, वो भी कंटीन्यूअसली अडॉप्ट होता रहेगा। और अब ओडिन अपनी विजडम को यूज करेगा, जिससे होगा ये कि ओडिन को पता लग जाएगा डूम्सडे को डिफीट करने के लिए उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर डूम्सडे को एक ऐसे जगह पे भेजना पड़ेगा जहाँ पे एनर्जी एंड लाइफ फोर्स कंटीन्यूअसली ड्रेन होता रहता है। तो ओडिन अब अपनी ओडिन फोर्स को यूज करके एक मल्टी प्लैनेट बस्टर लेवल के एनर्जी ब्लास्ट को परफॉर्म करेगा, जिससे डूम्सडे मे बी डिस्ट्रॉय हो भी सकता है। लेकिन हंटर प्रे कॉमिक्स के अकॉर्डिंग डूम्सडे एनर्जी ब्लास्ट से इम्यून हो चुका है। तो ओडिन अब डूम्सडे को एक ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे एनर्जी एंड लाइफ फोर्स कंटीन्यूअसली ड्रेन हो जाता है, और ठीक वैसे डूम्सडे को डिफीट करेगा जैसे हंटर प्रे कॉमिक्स में किया गया था। इसके अलावा ओडिन के एबिलिटीज लाइक टेलीपोर्टेशन, मैजिक मैनिपुलेशन एंड रियलिटी वार्पिंग उसे बहुत ज्यादा मदद करेगा इस बैटल में। ओडिन चाहे तो डूम्सडे को एंट्रोपी के अंदर ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर ओडिन होगा विद एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। वही दूसरी तरफ डार्कसाइड एंड मैनगॉक की बैटल में डार्कसाइड समझ जाएगा कि मैनगॉक को ओमेगा बीम्स एंड पावरफुल ब्लोस से बस कुछ देर के लिए रोका जा सकता है। तो अब डार्कसाइड अपनी ओमेगा इफेक्ट को इनहेंस्ड वर्जन पे यूज करेगा और परफॉर्म करेगा एक ओमेगा सैंक्शन को, जो कि ओमेगा बीम से काफी ज्यादा पावरफुल है। माइटी थॉर इशू नंबर 705 में मैनगॉक सन की कोर से डिस्ट्रॉय हुआ था, और मैं बता दूं सन कोर की कंपैरिजन में ओमेगा सैंक्शन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो आई थिंक डार्कसाइड ओमेगा सैंक्शन से ट्रैप करके मैनगॉक को डिफीट कर देगा और अल्टीमेट विनर डार्कसाइड होगा विद एक्सट्रीम डिफिकल्टीज। लेकिन गाइस, अगर ओडिन एंड डार्कसाइड प्रिपेयर होने के बाद इस बैटल को लड़ते तो ओडिन, जिसे गॉड ऑफ विजडम भी कहा गया है, और डार्कसाइड जिसने एक ओमनीसेंस कैरेक्टर को भी आउटस्मार्ट किया है, और ओडिन एंड डार्कसाइड दोनों ही मास्टर टैक्टिशियन भी है, तो विद प्रिपरेशन टाइम ओडिन एंड डार्कसाइड इस बैटल को एवरेज टू मीडियम डिफिकल्टीज के साथ जीत जाते। वैसे एक वीकर वर्जन ऑफ ओडिन एंड डार्कसाइड को मैनगॉक एंड डूम्सडे बीट कर सकते हैं, एंड ऐसा इन दोनों ने कॉमिक्स में किया भी है। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, एंड अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे शेयर करना नहीं भूलना। और ऐसे ही एपिक कंटेंट देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।